हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से उसी सीरीज को, टीओसी के सीरीज को, फॉर्मल लैंग्वेज के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एकेयू में पूछा हुआ जो सवाल है आपका, उसी सीरीज को, है ना? तो आपका जो सवाल पूछा है, नेक्स्ट डिजाइन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा, ठीक है? डिजाइन डि सॉरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा, ध्यान रहे यहाँ पर। सवाल में चाहे वो सिर्फ पुश डाउन ऑटोमाटा दे देता है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा दे, बोथ आर सेम। आपको मालूम है, मैंने बताया है कि जो पुश डाउन ऑटोमाटा होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है? तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज जो है दैट इज गिवेन टू यू कि आप जनरेट करो स्ट्रिंग ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एन सच दैट एम एन ग्रेटर देन 0। वेरी क्लियर? तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट वन ए एंड बी मस्ट बी प्रेजेंट इन योर लैंग्वेज और इन अ स्ट्रिंग, राइट? तो जैसे देखिए, आप हमेशा की तरह पहले क्या करेंगे, इसको इसमें इस लैंग्वेज में से जनरेट होने वाले स्ट्रिंग को हम लोग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल बाय दिस लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज देयर इज इक्वल नंबर ऑफ ए टुवर्ड्स बोथ साइड इन बी, है ना? बी के पहले भी देखिए एक ए है और बी के बाद भी क्या है, एक ए है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इक्वल नंबर होने चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली ए ए बी ए ए, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज ऑफ दैट देयर इज टू ए, देयर इज ऑल्सो टू ए, राइट? बट इफ यू से दैट ए बी ए थ्री, is it acceptable? Your answer will be no, it is not acceptable. Why? Because of that there is 2a but there is 3a, it is not acceptable, right? Similarly, you will tell me how many number of b will be there. B will be there any number of a, b apart from a. A से इसको कोई मतलब नहीं है, b कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक आइडिया मिल गया कि इसको किस तरीके से आप लैंग्वेज को जनरेट करेंगे, डिजाइन करेंगे ऑटोमाटा। तो आप कहेंगे कि इट इज वेरी सिंपल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपने बताया है कि जो कंपैरिजन करना है जिससे, उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को स्टैक में डाल देंगे। दैट मींस व्हाट, कि जो फर्स्ट में ए आ रहा है, यू हैव टू पुट इट इनटू अ स्टैक, राइट? तो आपने क्या किया कि यहाँ डबल ए आपका आया, तो आपने क्या किया, इसको स्टैक में डाल दिया, आप यही कह रहे हैं, है ना? उसके बाद आपने क्या बोला कि जितना भी मेरा बी है वी विल इग्नोर इट। अच्छा एक मिनट, इसको पहले हम लोग मूव भी लिख लेते हैं, हाउ टू पुट इट इन टू अ स्टैक। तो उसको कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सपोज देयर इज ए, इनपुट स्ट्रिंग क्या है, ए, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, ए इज द इनपुट स्ट्रिंग। मूव कैसे लिखा जाएगा, एंड व्हाट इज द आउट टॉप ऑफ द स्टैक एट दिस टाइम, तो यू विल से मी यस दिस इज अ स्टैक टॉप यानी जेड नॉट एंड एट दिस टाइम एंड व्हाट विल डू इट। तो इस वक्त जो टॉप ऑफ स्टैक होता है, हमने क्या बोला, पुश डाउन ऑटोमेटा में उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया जेड नॉट को, क्या किया हमने, बाहर निकाल लिया। तो जब हमने स्टैक से जेड नॉट को बाहर निकाल लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे हाथ में क्या है, जेड नॉट एंड ए, तो इन दोनों को फिर से क्या करेंगे हम लोग, मतलब बाहर निकाल लिया यानी कि वो कहाँ आ गया। चलिए यहाँ पर इसको लिखती हूँ मैं, तो इस वक्त ये मेरा क्या हो गया, ए इनपुट स्ट्रिंग एंड एट दिस टाइम जेड नॉट इज द टॉप ऑफ अ स्टैक। तो अब क्या करेंगे, इस ए और जेड नॉट को फिर से क्या करेंगे, अपन स्टैक में डाल देंगे। दिस इज योर मूव टू पुश इनटू अ स्टैक ए, एक ए को आपने क्या किया, स्टैक में पुश किया। अब क्या होगा, नेक्स्ट इनपुट आपका रीड करेगा सिस्टम। तो जब आपका मशीन नेक्स्ट ए को रीड करेगा, तो इस वक्त आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि ए इज द इनपुट स्ट्रिंग, यस, लिखना क्या है, एंड एट दिस टाइम व्हाट इज द टॉप ऑफ अ स्टैक। तो देयर इज टॉप ऑफ अ स्टैक व्हाट सिंबल, ए सिंबल, ए इज द टॉप ऑफ अ स्टैक, राइट? एंड देन आफ्टर what you have to do, we have to do what, we have to pop up this a and it will come here and then after we will push into a stack। hum log kya kar rahe hain, stack mein dono ko push karenge, dono se matlab kya, jo top par hai
ए उसको और जो इनपुट स्ट्रिंग में ए है उसको, तो देन आफ्टर आपका स्टैक का क्या स्थिति हो जाएगा, देयर इज टू ए इनसाइड अ स्टैक, है कि नहीं? आप देखो स्टैक में कितना ए है, टू ए है, एंड टॉप ऑफ अ स्टैक एट दिस टाइम इज अगेन ए इटसेल्फ, राइट? अब आपका ये तो हमने जो मूव लिखा, ये फॉर व्हाट रीजन हमने मूव लिखा, ये रिप्रेजेंटेशन है स्टैक के अंदर ए को इनपुट करने का, चाहे जितना नंबर ऑफ ए होगा उतनी बारी आपका क्या होगा, ये स्टेप रिपीट होगा। तो क्या इसके लिए हम लोग स्टेट डायग्राम खींच सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसको मैं क्या करूं, क्यू नॉट, आप बोलेंगे यहाँ लिखो आप, ठीक है मैंने लिख दिया। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे जब आप फर्स्ट इनपुट ए करने जा रहे हो तो इसको लिखो, ए पर आपने यहाँ लिखा और जेड नॉट क्या है एट दिस टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम ए को इनपुट किए हो तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है आपका, जेड नॉट, दैट इज व्हाई यू विल पुट हियर जेड नॉट, एंड देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू पुश ए जेड नॉट, क्योंकि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जेड नॉट हमने स्टैक से क्या किया है, पॉप कर लिया है, फिर उसमें उसको इनपुट कर दिया। तो पहले हमने जेड नॉट डाला, फिर ए डाला, इसके बाद आपने क्या किया, ए को फिर से रीड किया, अगर दोबारा से ए है तो आप रीड करो, नहीं है तो मत रीड करो। तो मान लो हमको तो हर सिचुएशन को मशीन में लिखना पड़ता है ना, तो लेट सपोज कि देयर इज वंस अगेन ए, तो ए है और नाउ दिस टाइम स्टैक टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया, ए, दैट मींस देयर इज ए, पहले से आपके स्टैक में ए मौजूद है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुश दिस ए इटसेल्फ। तो हाउ कैन यू राइट इट लाइक दिस, यू विल राइट लाइक दिस कि दिस इज योर टॉप ऑफ स्टैक जो अर्लियर में था एंड नाउ दिस इज योर इनपुट सिंबल ए। तो ये दोनों को आपने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया और फिर से टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया, ए। तो ये प्रोसेस जो है ये तब तक रिपीट करना है, लूप मैंने क्यों चलाया, वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ ए, ये जो लैंग्वेज है दिस कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ ए, है कि नहीं? ग्रेटर देन जीरो मीन्स n greater than 0 means any number of a, no problem, any number of a there should be move, right? अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने दो a को इसके लिए स्ट्रिंग को मैं लेके चल रही हूँ, तो उसके बाद आपका जो स्टैक ये होगा, नेक्स्ट इनपुट हमने क्या देखा अभी, चलो इसी को करते हैं। तो नेक्स्ट इनपुट आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट इनपुट इज नाउ योर b, है कि नहीं? देयर इज b नेक्स्ट इनपुट, तो इनपुट सिंबल आपका क्या हो गया है एट दिस टाइम, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे बी, और टॉप ऑफ स्टैक आपका क्या, हमेशा पहले अपन क्या लिखते हैं, इनपुट सिंबल एंड देन आफ्टर टॉप ऑफ स्टैक एट दिस टाइम व्हाट इज टॉप ऑफ स्टैक, यू विल से ए, तो ए को हमने टॉप ऑफ स्टैक लिख दिया। अब देखो क्या हमने पढ़ा कि ये लैंग्वेज कहता है कि बी की संख्या चाहे जितनी भी हो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंपैरिजन ऑफ बी विथ एनी सिंबल, बी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होना है। तो जब बी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होना है तो आप ऐसे सिंबल को क्या करते हो, सिंपली यू इग्नोर इट, है कि नहीं? आप इसको क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। तो इग्नोर करने वाले स्टेप को याद करो, कैसे लिखते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे लिखना क्या है, जो स्टैक का टॉप है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो ये ना पुश हुआ ना पॉप हुआ, ये क्या हुआ, ये सिंपली सिंबल को डिस्कार्ड किया, है कि नहीं? तो सिंबल को डिस्कार्ड कब करना है, बी पर। अब ये बी क्या एक ही बार आएगा, तो जवाब होगा नहीं, ये तो कितना बार भी आएगा, तो जितनी दफा भी आएगा ये लूप चला देंगे इसके लिए भी हम लोग। लेकिन यहाँ एक बात हम लोग गौर करेंगे, क्या ये जो लैंग्वेज आपका दिया हुआ है इससे क्या पता पड़ता है कि ए फॉलोड बाय बी, यानी जब ए के बाद बी आएगा, ठीक है, तो ए के बाद जब बी आएगा तो बी के बाद जो ए आएगा दैट विल बी द राइट साइड ऑफ ए, है ना? वो ये वाला लेफ्ट साइड वाला ए नहीं होगा, ये इट विल बी ऑफ टाइप राइट साइड वाला ए। तो राइट साइड वाले ए के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर स्टेट को चेंज दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? आप यही कहोगे ना कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं, स्टेट चेंज कर लो। जब स्टेट यहाँ चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी आएगा, बी के बाद ए होगा, है ना? टॉप ऑफ स्टैक, इस मूव को जितनी दफा आना है आने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जो ए आएगा वो ए रीड होगा, लेकिन वो किसके लिए होगा, वो आफ्टर बी होगा, है कि नहीं? इसीलिए हमने यहाँ पर स्टेट चेंज किया है। व्हाई वी हैव टू चेंज हियर स्टेट, बिकॉज ऑफ दैट कि आपका जो ए आ रहा है वो राइट ऑफ बी है,
ठीक है ना। तो यहाँ स्टेट चेंज होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि दिस ए इज बिफोर ऑफ बी और आफ्टर ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, बी आपने क्या किया, रीड कर लिया। बी को जितनी दफा आपको रीड करना है आपने स्टैक उसमें क्या किया, इग्नोर कर लिया। आफ्टर इग्नोरिंग इट आप क्या करोगे, आफ्टर इग्नोरिंग इट व्हाट यू हैव टू डू, अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है। क्या देखना है, बी को सब कुछ जब हमने रीड कर लिया तो नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारा क्या है, देयर इज ए, इसको डिलीट कर दीजिए आप, है ना। तो अब ये जो आपका ए है इसको आप क्या करेंगे, तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे पहले ये हम लोग समझ ले, है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इनपुट सिंबल मेरा क्या है एट दिस टाइम, देयर इज ए इटसेल्फ, है ना। और मजे की बात क्या है, आप देखो यहाँ टॉप ऑफ स्टैक क्या है आपका, ए इटसेल्फ है कि नहीं। बी को तो हमने ना स्टैक में पुश किया ना पॉप किया, तो स्टैक में जो सिंबल है मेरा टॉप पर वो क्या है, बी के लेफ्ट वाला ए, है ना। तो बी के लेफ्ट वाला ए टॉप में ए दिख रहा है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, ए के बाद फिर से ए लिखना होगा, है ना। दिस इज योर इनपुट ए एंड दिस इज योर टॉप ऑफ स्टैक, राइट। अब इसको क्या करना है ये गौर करने वाली बात है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जितना ए होगा लेफ्ट में वो हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे, और जो राइट में होगा उसको क्या करेंगे, अपन पॉप करेंगे। तो अब याद कीजिए कि पॉप का जो ट्रांजिशन है वो कैसे आप लिखते हैं, तो आप कहेंगे कुछ करना नहीं है यहाँ पर, सिंपली क्या करो, एप्सिलॉन डाल दो। एप्सिलॉन डालने से क्या हो जाएगा कि ये जो टॉप ऑफ सिंबल है हमारा 1a, इट विल बी टॉप पॉप आउट। पॉप आउट मतलब वहां पर वो, अब वो सिंबल क्या है, एप्सिलॉन है, दैट मींस देयर इज नो मोर ए सिंबल एट द टॉप ऑफ अ स्टैक, राइट। तो नाउ दिस टॉप बिकम्स विद व्हाट ए, दिस टॉप विल पॉइंट टू दिस ए, राइट, इट्स वेरी क्लियर, ओके। तो अब ये हम लोग क्या करेंगे, इस ए के लिए हमने क्या किया, टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब आप किसको मूव कीजिएगा, नेक्स्ट ए को मूव कीजिएगा। तो इसके लिए पहले लिखिए यहाँ पर जब ए के आएगा तो आप क्या करोगे, ए ए एप्सिलॉन, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। अब ये है, ये अब जब नेक्स्ट ए आपका रीड करेगा तो भी टॉप ऑफ स्टैक आपका क्या आएगा, सेम आएगा। देखो इनपुट सिंबल इज ए एंड नाउ टॉप ऑफ स्टैक इज व्हाट, ए। तो यहाँ आपने टॉप ऑफ स्टैक दे दिया और आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो फिर कहोगे आप पॉप करो ना, पूछना क्या है। तो इसको हमने पॉप कर दिया, ठीक है। तो पॉप किया, अब ये पॉप का सिलसिला कितनी दफा चलेगा, जितनी बार आपके स्टैक में ए बचा हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। अब ये बात कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉप है ये इतनी दफा बचा, तो अब इस बात के लिए भी हम लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसको जरा सोचिए कि कैसे लिखना होगा कि नाउ इट इज योर एक्सेप्टेबल और नॉट। तो हमने क्या पढ़ा है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा जो होता है, इसमें मशीन दो तरीके से आपके स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, आइदर फ्रॉम एम्प्टी स्टैक, है ना, और फ्रॉम फाइनाइट फाइनल स्टैक, ठीक है। तो हम लोग पहले एम्प्टी स्टैक की बात कर ले। तो अभी देखिए जब आपका सेकेंड ए एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना, स्टैक से पॉप हो जाएगा, तो नाउ दिस टाइम व्हाट इज द स्टैक, व्हाट इज द सिंबल ऑफ अ स्टैक, इसको मैं फिर से देखिए लिख देती हूँ। आपने क्या किया, शुरू में क्या किया, दो ए को इनपुट कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है, और बी को इग्नोर किया, खत्म हो गई बात। फिर इस ए के लिए आपने टॉप से क्या किया, स्टैक के टॉप से उसको पॉप कर लिया। फिर नेक्स्ट ए के लिए फिर से आपने स्टैक के टॉप को क्या किया, पॉप किया। नाउ दिस टाइम व्हाट इज द इनपुट स्ट्रिंग, तो एट दिस टाइम योर इनपुट स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन, नो डाउट, वेरी क्लियर, इट इज रियली सिंपल। एंड एट दिस टाइम व्हाट इज द टॉप ऑफ द स्टैक, तो टॉप ऑफ स्टैक में आप देखो क्या आपके पास है, तो ये निश्चित तौर पे क्या है आपका, जेड नॉट है, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एट दिस टाइम योर स्टैक इज एम्प्टी, है ना। और जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है और आप चाहते हो कि एम्प्टी स्टैक से इसका एक्सेप्टेंस करें, तो आप क्या करोगे, इस जेड नॉट को भी किससे रिप्लेस कर दोगे, एप्सिलॉन से। तो आपका जो सिंबल है, जो स्टैक है, ये पूरी तरह क्या हो गया, खाली। तो देयर इज, दिस इज वन वे टू राइट हियर दिस सिंबल, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन जेड नॉट और आपका एप्सिलॉन। देखिए कई बार आपके सवाल में, प्रश्न में ये पूछ दिया जाता है
कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो मशीन है इसको इम्पटियस टैग के द्वारा एक्सेप्टेबल है ऐसा मशीन आप डिजाइन करें, तो उस परिस्थिति में इट इज वेरी करेक्ट, है ना, यही आंसर हम लोग करेंगे। और नहीं तो इसका दूसरा तरीका देखेंगे, वो भी जान लेना जरूरी है हम लोगों को, है ना, कि जो फाइनल स्टेट है अगर हम उससे इनपुट इस मशीन को स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहें तब आप कैसे कीजिएगा। तो उस सूरत में भी इनपुट स्ट्रिंग आपका क्या होगा, एक्सेलेंट ही होगा, टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, जेड नॉट, और टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा, जेड नॉट ही, बस उसको कहां पहुंचा दिया आपने, फाइनल स्टेट पर, है ना, कि ये जो एप्सिलॉन है जेड नॉट है इसको जेड नॉट ही रहने दीजिए, और इसको आपने कहां पहुंचा दिया, फाइनल स्टेट पे। तो अब इसमें क्या है कि अगर आपका स्टेट इनपुट स्ट्रिंग को रीड करने में स्टेट फाइनल स्टेट को रीच कर ले तो भी ये एक्सेप्टेबल है, और आपका क्या करे स्टैक एम्प्टी हो जाए तो भी ये मशीन आपका क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो सवाल है आपका, ये आपका 2019 में पूछा गया है ना, फॉर्मल ऑटोमाटा में जस्ट लास्ट ईयर आपसे ये प्रश्न पूछा गया था 5 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए आप सवाल के पीछे ना जाएं, सवाल के पीछे जो लॉजिक है उसको सोचें, उसके बाद अगर प्रश्न में किसी तरीके से सवाल को थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया जाता है तो नाउ यू कैन सॉल्व इट। हाउ, फर्स्ट यू हैव टू थिंक विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग दिस लैंग्वेज विल जनरेट, एंड देन आफ्टर यू विल थिंक व्हाट टाइप ऑफ कंपैरिजन। तो देखिए पूरे नॉन डिटर्मिनिस्टिक या कोई भी पुश डाउन ऑटोमाटा में तीन ही तरह का तो ऑपरेशन होगा, आइदर स्टैक में पुश करोगे आप या पॉप करोगे या फिर सिंबल को इग्नोर करोगे, और आपने बखूबी ये तीनों स्टेप को काफी कई तरीके से लिखा है यहाँ पर, तीनों तरीके, तीनों स्टेप्स के तरीके को, है ना। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ऑलवेज नीड्स, राइट ना। तो इस सवाल को आप जरूर देखें और देखने के बाद आप खुद से डिजाइन करें, देन इट विल बी इफेक्टिव टू यू, एंड आई एम श्योर आप खुद से इसको डिजाइन कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।